जिले के प्रसिद्ध बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर में नवरात्रा स्थापना के मौके पर घट स्थापना के साथ महाआरती का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष राजेश टंडन ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। तमाम गाइडलाइन के साथ भक्तों को माता के दर्शन की अनुमति दी गई है। कोरोना नियमों के तहत श्रद्धालु पहुंचे और माता का आशीर्वाद लेकर घर में सुख शांति की मनोकामना मांगे। पहले नवरात्रि पर दरबार में साज सज्जा का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। आगामी 9 दिन तक इसी तरह से अलग अलग माता की पूजा अर्चना की जाएगी। जी भाई साहब, कल से नवरात्रि शुरू है। जी, कल से शारदीय नवरात्रि शुरू है। इस वर्ष जो है एक नवरात्रा कम है और 10 तारीख को दो चौथी और पांचवा नवरात्रा हो जाएगा। कल नवरात्रि की सुबेरे मंदिर प्रांगण में जो है हमारे घट स्थापना है। सुबह 8 बजे आरती रखी गई है। घट स्थापना होते ही आरती होगी और उसके बाद शाम की आरती 7 बजे होगी। कल चूंकि पहला दिन है, घट स्थापना होनी है और घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो 8 बजे का है। उसके बाद रोज़ आरती जो है सुबह प्रातः 9 बजे होगी और शाम को 7 बजे होगी। अब के मंदिर की पूरी व्यवस्थाएँ जो भी हमारे COVID-19 के जो नियम हैं उन्हीं के अनुरूप होगी और मास्क पहन करके अपना जो करके आए व्यवस्था। बाकी अब मंदिर खुला है, आप प्रसाद चढ़ाइए, आप आइए, आप जो कुछ करना हो करिए। कोई किसी तरह की हमारी तरफ से, क्योंकि हमने वहाँ सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग की मान रहे हैं, हम और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो करके भीड़ का और जो कोविड की हैं के जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। और सभी साधकों से, सभी माताओं बहनों से सबसे मेरी विनती है के मंदिर पधारें, अपने धर्म लाभ कमाएं, अपनी श्रद्धा के अनुसार आएं। ये मंदिर जो है राजस्थान का एक पहला मंदिर है जो रात और दिन खुला रहता है। जब माता जी की सुबह पोशाक बदलते हैं उस वक़्त मंदिर पट होता है, बाकी ये सारा टाइम खुला रहता है। अखंड जोत जलती रहती है, 9 दिन तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हुए राजेश टंडन अध्यक्ष मंदिर प्रबंध।